नमस्कार दोस्तों, एक बार नई वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको अदरा जंक्शन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि टाउन है और ये रघुनाथपुर और काशीपुर के बगल में पड़ता है, जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये जो है वेस्ट बंगाल में आता है। तो आज के इस वीडियोज में सभी जानकारी देने वाले, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियोज को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको बता दें कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ये देख सकते हैं ये जंक्शन है, जहाँ से आप इन करेंगे और इन करने के बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अंदर इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे चार प्लेटफॉर्म है दोस्तों और पांच जो है अलग अलग लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। 8 ट्रैक बनाए गए हैं, जिसमें से चार प्लेटफॉर्म जो है वो चालू है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एट ग्राउंड है पूरी तरीके से, और पार्किंग जो है आपको बाहर में व्यवस्था मिल जाएगा, जहाँ पे 2-व्हीलर 4-व्हीलर आप पार्क करके रख सकते हैं। देन आप अदरा जंक्शन से जो है यहाँ से आप टिकट कटा के अनेक जगह पे जा सकते हैं। यहाँ से आप हावड़ा वगैरह जा सकते हैं, संतरागाछी जाना हो या फिर पूरी आनंद विहार जाना हो, इन सभी जो मेन लाइन है वो इधर से ही गुजरती, तो यहाँ से आपको जो है स्टेशन से ट्रेनें मिल जाएंगी। इसे ओपन किया गया था 1887 ईस्वी में, उसके बाद जो है रिब्यूट किया गया 1904 ईस्वी में। और कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिखता है, जंक्शन दिखता है, जो कि बाहर के हिस्से में अगर आप देखें तो अदरा जंक्शन का एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है। साथ साथ में यहाँ पे बंगाली बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में आता है, जिसके कारण बंगाली से आपको बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ मिलेगा। वाशरूम का सुविधा है, साथ साथ में यहाँ पे जब ट्रेनें लगती है तो लोग खाना पीना खा सकते हैं। यहाँ से आप टिकट कटा सकते हैं, जो कि एंट्री गेट पे ही है मौजूद, जहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। ये टिकट घर है जो कि सामने की लोकेशन में आपको दिख रहा है। इलेक्ट्रीफाइड 1961 ईस्वी में इसे किया गया, उसके बाद ही यहाँ पे लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। आसनसोल टाटा नगर खड़गपुर लाइन जो है वो मेन लाइन यहाँ से गुजरा हुआ, अदरा गोमो लाइन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये जंक्शन बहुत ही मायने रखता है। बाहर के लोकेशन में अगर आप देखें तो BNR जो है माइथान का एक बड़ा सा यहाँ पे उसको लेकर यहाँ पे एक चर्चित बनाया गया, यहाँ का कलाकृति को दिखाया गया, एक ट्रेन रखा गया, प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से स्वच्छ रखा जाता है। जब कभी भी आप यहाँ पे जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अदरा रेलवे स्टेशन पहले था, हालांकि अब जो है इसे जंक्शन में बदल दिया गया है। तो पहले ये बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है, 1800 ईस्वी का आप समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस करती है, देन यहाँ से लोग ट्रैवल भी करते हैं। तो पूरी आनंद विहार, पूरी कमाख्या एक्सप्रेस, पूरी जयनगर एक्सप्रेस, पूरी विद्यानाथ धाम एक्सप्रेस, इस तरीके से वैजनाथ धाम एक्सप्रेस जो है देवघर वगैरह जाना है तो आप जा सकते हैं। चूँकि पुरुलिया जो है वो झारखंड के नज़दीक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बॉर्डर के नज़दीक नेरेस्ट में, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। अदरा टाउन में ये मौजूद है जंक्शन, जो कि स्टेशन रोड कहते हैं इसे, और रघुनाथपुर काशीपुर ब्लॉक पड़ता है एरिया जो है, और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ से आप ऑटोज़ वगैरह ले सकते हैं, देन यहाँ से आपको कहीं भी जाना है उन सभी जगह पर जा सकते हैं। साथ साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पर होटल का सुविधा आपको पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, जहाँ पर आप आराम से रुक सकते हैं, जिस तरीके से आपका बजट है उस हिसाब से आप यहाँ पे रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, और खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होती। बाहर ही आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, और जब यहाँ पे गाड़ियाँ आती है तब यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। आरक्षण का, पूछताछ का सब आपको एक ही इसी के अंदर मिल जाएगा। तो जंक्शन है, चूँकि यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ चेंज होती है, इसी कारण इसे जंक्शन रखा गया है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से ट्रैवल भी करते हैं। तो ये स्टेशन है, ये पूरी जानकारी था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जब कभी भी आप जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेशन में रुकने की व्यवस्था है, साथ साथ में यहाँ से बाहर भी आप आराम से रुक सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो हम मिलते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आगे आपको और कुछ और जानकारी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। तो ये पुरुलिया का हमने आपको वीडियो दिखाया, और मिलते हैं, देखते हैं पुरुलिया का और भी जगह पर हम ट्रैवल करेंगे तो आपको बताएँगे, लेकिन इस